महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान शिव के हर मंदिर की एक अपनी खासियत होती है। इंदौर के मनकामेश्वर कांटापोर मंदिर में भोलेनाथ पर जल अभिषेक किया जा रहा है। माना जाता है कि कांटापोर मंदिर में आने वाले भक्तों की राहों के कांटों को भगवान भोलेनाथ खत्म कर देते हैं और इसी मान्यता को लेकर यहाँ पर दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि का पावन मौका है और ऐसे में इंदौर में भी शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त हम इंदौर के प्रसिद्ध कांटाफोर्ड महादेव मंदिर में हैं और सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के अद्भुत दर्शन हम लोग करवाते हैं। किस तरीके से भगवान भोलेनाथ के विशेष जो है वो यहाँ पर श्रृंगार भी किया जा रहा है और उसके साथ में तमाम जो भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, भोलेनाथ को यहाँ पर जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। और कांटाफोर्ड मंदिर की यही विशेषता है कि यहाँ पर कहा जाता है कि जब आप पहुँचते हैं तो आपके राहों के कांटे कहीं ना कहीं यहाँ पर भगवान हर लेते हैं, यानी कि आपके दुखों को हर लेते हैं। हरिशंकर व्यास जी मुख्य पुजारी यहाँ के, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो क्या कुछ महाशिवरात्रि का विशेष संयोग बन रहा है इस बार? बढ़िया संयोग है, कृपा संयोग में शिवरात्रि मनाई जाएगी और भगवान शंकर के लिए जो है ना सबसे बढ़िया वैसे दिन है आज का। माता पार्वती और भोलेनाथ का आज जो है ना विवाह होगा, उसके लिए शिवरात्रि का महापर्व भक्तों के उमंग के साथ मनाया जा रहा है। कांटाफोर्ड मंदिर की क्या कुछ विशेषता? कहा जाता है कि कांटे भगवान हर लेते हैं। नहीं, कांटे तो हर ही लेते हैं, वो तो हरी हर हैं, वो तो हर जो है ना हरने का ही काम है उनका कांटे का। लेकिन यहाँ पे जो आगे जाके गांव है तो वो कांटाफोड़ गांव है, तो वहाँ से सब व्यापारी लोग यहाँ पे छावनी अनाज मंडी में आते थे व्यापार करने के लिए और यहाँ पे जो है ना किसान लोग रुकते थे, तो इसलिए इसका चौराहे के नाम कांटाफोड़ पड़ा है और जिसके कारण ही मंदिर का भी नाम कांटाफोड़ मंदिर है। वैसे मनकामेश्वर कांटाफोड़ महादेव मंदिर है, मनकामेश्वर कांटाफोड़ मंदिर है और आप देखें तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बड़े उत्साह के साथ में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दरबार में आ रहे हैं। और खास तौर पर आज जब महाशिवरात्रि का मौका है तो पूरा उत्साह है, उल्लास है, कुछ श्रद्धालु भी है। मैडम, आप भी आई है, क्या कुछ दिख रही है आज महाशिवरात्रि का महापर्व है? अच्छा पर्व चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, मन को इतनी शांति मिलती है यहाँ पर आने के बाद। मैं बहुत सालों से आ रही हूँ यहाँ पर। महाशिवरात्रि के कैसे भगवान भोलेनाथ का आज पूरा पूजन? भोलेनाथ की तो बहुत ही महिमा आएगी, इसका गुणगान तो कोई नहीं कर सकता है। जिस पर कृपा बरसा दे वो तो बाबा आएंगे। पूरी आस्था है यहाँ? पूरी आस्था आएगी। कल से तैयारी चल रही थी, 5 दिन के पर्व में रोज आ रही हूँ, हल्दी मेहंदी उपटन सब में आई हूँ मैं, सब प्रोग्राम बहुत आनंद आया है। खस का श्रृंगार है, भगवान का फूल बंगला है और पूरी तरीके से यहाँ पर इस विशेष श्रृंगार के बीच में भगवान भोलेनाथ विराजमान है और श्रृंगार की इसी झलक को देखने के लिए भगवान के शरण में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पूरी आस्था के साथ पहुँच रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व पूरे आस्था और उल्लास के साथ में आज इंदौर में मनाया जा रहा है। कैमरामैन नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।